इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। चीन में कोरोना वायरस के बाद फैली नई बीमारी को लेकर भारत भी अलर्ट हो गया है। सभी राज्यों में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर पूरी तैयारी पर है। इसी के साथ ही छिंदवाड़ा में भी सोमवार को चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। चीन में बच्चों में श्वसन की बीमारी के प्रकरणों में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वर्तमान में प्राप्त जानकारी के अनुसार श्वसन संबंधी बीमारियों में वृद्धि मुख्य रूप से बच्चों में हो रही है, जिसे लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीसी चौरसिया ने बताया कि वर्तमान में चिंता की आवश्यकता नहीं है, परंतु कुछ नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य है, जिसमें मुख्य रूप से बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखना होगा। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि भीड़ भाड़ एवं बंद जगह से बचना, छींकने या खांसते समय रुमाल या टिश्यू का उपयोग करना, हाथ की स्वच्छता रखना, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकना, सर्दी खांसी या जुकाम होने की स्थिति में मास्क का उपयोग करके इस प्रकार के सामान्य उपाय को अपना कर स्वयं को सुरक्षित रखा जा सकता है। मोखेड़ थाना अंतर्गत देर शाम 3 बाइक सवारों के आपस में टकराने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार नागपुर रोड सिमरिया के पास 3 बाइक आपस में टकरा गईं, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक जीत पर भाजपा कार्यालय में आतिशबाजी की गई और ढोल नगाड़ों पर कार्यकर्ता थिरकते नजर आए। भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने सभी कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर विजय उत्सव मनाया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित हुए। समस्त भारतीय जनता पार्टी के देवतुल कार्यकर्ताओं के साथ जिले के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्षों, वरिष्ठ भाजपा नेताओं एवं हमारी 6 विधानसभा के प्रत्याशियों के साथ मिलकर के 3 राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हासिल हुई है, इसको लेकर के हम सभी ने खुशियां मनाई हैं, मीठा बांटा है, एक दूसरे को खुशियों की बधाई दी है। आज बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत मिला है। इस जीत के पीछे हमारे रणनीतिकार, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का मार्गदर्शन और हम लोग समस्त कार्यकर्ता बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि अमित शाह जी का मार्गदर्शन को छिंदवाड़ा में मिला। हमारे प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्रचंड जीत हुई है। हम इसके लिए मैं माननीय मोदी जी का, अमित शाह जी का, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जेपी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय वीडी शर्मा जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपकी योजनाओं के कारण संगठन में कार्यकर्ताओं को ऊर्जा बरतते हुए यह विजयश्री हासिल हुई है। मैं जिले के समस्त नागरिकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। इतवार को मतगणना के बाद निर्वाचन में उपयोग की गई विधानसभावार ईवीएम व वीवीपैट मशीनों की सीलिंग के बाद इन मशीनों को मतगणना स्थल पीजी कॉलेज से नागपुर रोड स्थित जिला स्तरीय ईवीएम वेयर हाउस में सुरक्षित संधारित कर दिया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प और SP विनायक वर्मा द्वारा आज भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार जिला स्तरीय ईवीएम वेयर हाउस के स्ट्रांग रूम में अपनी निगरानी में विधानसभावार ईवीएम व वीवीपैट मशीनों को रखवाकर स्ट्रांग रूम को सीलबद्ध किया गया। इस दौरान अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी KC बोपचे और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। नगर निगम अतिक्रमण दल द्वारा लगातार अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज परासिया रोड सर्किट हाउस से VIP रोड खजरी चौराहा तक सर्किट हाउस के सामने से गुपचुप की गुमटी हटाई गई और सतपुड़ा क्लब के पास से फल दुकान एवं कपड़े की दुकान हटाई गई। वहीं अतिक्रमणकारियों को रोड पर दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की समझाइश दी गई। इस दशहरा और दिवाली में पाएं आशुतोष कंप्यूटर में ऑनलाइन से भी सस्ते दाम में लैपटॉप, डेस्कटॉप, CCTV कैमरे, कंप्यूटर एक्सेसरीज, कीबोर्ड, माउस और भी बहुत कुछ। तो एक बार जरूर आएं आशुतोष कंप्यूटर, M34 फर्स्ट फ्लोर, मानसरोवर कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा और आनंदी कॉम्प्लेक्स जमाई रोड परासिया। मोबाइल नंबर 9993773161, 9302773161। वोल्टास बैको की एक्सक्लूसिव ब्रांड शॉप
अब आपके शहर छिंदवाड़ा में नागपुर रोड नियर इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रारंभ हो चुकी है, जहां आप पाएंगे आपके घर की जरूरतों के होम अप्लायंसेस की विशाल श्रृंखला, जिसमें वोल्टास, बैको के एयर कंडीशनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर और भी बहुत कुछ। तो एक बार जरूर बता रहे, नियर इलेक्ट्रॉनिक्स DDC कॉलेज के सामने नागपुर रोड छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9425936566 9165866। नवरात्र और दशहरे के पावन पर्व पर कुबोटा ट्रैक्टर खरीदने पर पाएं 10 ग्राम सोने का सिक्का, मात्र 39,000 के डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। जापान का नंबर एक कुबोटा ट्रैक्टर, संपर्क करें ऐश्वर्य एजेंसी, चार फाटक छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9425306199। और बता भाई, सूरज कैसा चल रहा है तेरा होम पेंटिंग का काम? मुझे तो लग रहा है कि बहुत जल्दी काम निपटा दिया इन्होंने। आइए आइए सुरेश अंकल, बस बढ़िया ही चल रहा है होम पेंटिंग का काम। चलिए आपको बाहर से दिखाता हूँ सब काम कैसा हुआ है। हाँ हाँ चलो बाहर से भी देखते हैं। ये देखिए अंकल, पूरा घर चमका दिया है इन्होंने बहुत जल्दी। अरे सूरज बेटा, मुझे भी उनका एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर दे दो जिनसे तुमने होम पेंटिंग का काम कराया है। हाँ हाँ क्यों नहीं अंकल, उनका नाम है सिटी पेंट और वो आपको कलर पेंट, वाटर प्रूफिंग और सेफ पेंटिंग की सर्विस देते हैं। उनके यहाँ आपको एशियन पेंट्स, नेरोलेक पेंट्स और डुलेक्स पेंट्स की रेंज मिल जाएंगी। वो सेफ और फास्ट होम पेंटिंग की सर्विस देते हैं। उनका एड्रेस है नरसिंहपुर नाका छिंदवाड़ा MP और मोबाइल नंबर है 9826588245। धन्यवाद। सनराइज हाई स्कूल चंदन नगर में साइंस एग्जीबिशन आर्ट एंड क्राफ्ट कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संकुल प्राचार्य शैली यादव एवं कन्या शाला के प्राचार्य विकास सिंह डबली, जन शिक्षक सुभाष सातपुते, वार्ड पार्षद दीपा राजेश मुखलगाय सहित अन्य अतिथिगण मौजूद थे। आयोजित कार्यक्रम में छात्र छात्राओं द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के वर्किंग मॉडल बनाए गए थे, जिनकी प्रदर्शनी का अवलोकन कर अतिथियों और शिक्षकों द्वारा सराहा गया। अलग अलग तरीके के मॉडल्स उन्होंने बनाए, सिर्फ साइंस के ही नहीं, उन्होंने मैथ्स मॉडल्स भी बनाया है, इंग्लिश मॉडल्स भी बनाया, इवन संस्कृत मॉडल्स भी बनाया है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन द मैथ्स मॉडल में उन्होंने बनाया है। और साइंस एग्जीबिशन में बच्चों ने आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी का भी ऑर्गेनाइजेशन किया, जिसमें आर्ट एंड क्राफ्ट का हर एक चीज़ बच्चों का खुद से प्रिपेयर बनाया हुआ है। और बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट स्कूल में ही सिखाया जाता है, जिससे बच्चों का फिजिकली और मेंटली दोनों भी प्रोग्रेस का ध्यान स्कूल में दिया जाता है। और उनकी ही टीचर्स ने इनको बनाने में बहुत मेहनत की है, मदद की है, और बच्चों ने, पेरेंट्स ने, सभी ने बहुत ही बच्चों को सराहा है। रेलवे स्टेशन के आसपास के क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब स्टेशन से महज 50 मीटर की दूरी पर नाले में मानव खोपड़ी मिली। वहीं कुछ ही दूरी पर पैर की हड्डी भी पड़ी हुई थी, जिसमें कुछ कपड़े फंसे हुए थे और खून लगा हुआ था। जानकारी के अनुसार रहवासियों का कहना है कि खोपड़ी में लगे मांस को कुत्ते खा रहे थे। जब उसे देखा गया और RPF पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद FSL टीम के साथ पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद खोपड़ी से कुछ ही दूरी पर पैर को भी देखा गया। अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि मृतक की हत्या हुई है या डूब कर मौत हुई है। वहीं यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि आधा शरीर कहीं और से बहकर आया हुआ है। हालांकि फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही यह साफ हो सकेगा।